जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 30 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीबीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से न्यूज को कवर किया जाता है। प्लस यूपीबीसीएस में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। और आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली करंट अफेयर्स नाम से है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से है। प्लस हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम आपको वेरियस अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब ये सब पूरे टॉपिक्स हैं जिनको आज एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इन सब टॉपिक्स को। और जो भी चीज मैं आपको बोलूंगा उसके आपको नोट्स बनाने हैं, तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए। सबसे पहला नोट तो आपको ये बनाना है कि कारगिल विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो हर साल 26 जुलाई को जो है वो कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है, ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय गौरव का स्मरण का दिन ही हम लोग को देखने को मिलता है, नेशनल प्राइड और सोलोमन रिमेम्बरेंस का ये दिन हम लोग को देखने को मिलता है। इस दिन पाकिस्तान के विरुद्ध वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाया जाता है, जो कि ऑपरेशन विजय की सफल परिणति का प्रतीक हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें आप ध्यान में रखिएगा। कारगिल वॉर 1999 का जो था, जिसमें हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की जीत होती है, और उस समय जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड है? कारगिल वॉर से रिलेटेड है 1999 के, और इसी जीत के अवसर पर हम लोग कारगिल दिवस जो है वो, कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाते हैं। फिर 1971 के वॉर के बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिला, जब बांग्लादेश जो है वो बन जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री टेंशन जो है वो होना शुरू हो गई थी, पर्टिकुलरली सियाचिन ग्लेशियर पे। फिर न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया दोनों कंट्रीज ने 1998 के अंदर, राइट। और फिर हमें एक और चीज देखने को मिली कि कश्मीर के मुद्दे को जो है वो शांतिपूर्वक रिजॉल्व करने के लिए दोनों ही कंट्रीज ने जो है वो साइन किया लाहौर डिक्लेरेशन को फरवरी 1999 में। फिर हम लोग को सर्दियां देखने को मिलती है 1998 और 1999 की, तो उस समय पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस जो थी उन्होंने मिलिटेंट्स के साथ जो है वो इंडिया के LOC में जो है वो LOC की तरफ से जो है वो घुसना शुरू किया जम्मू एंड कश्मीर की कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि इन लोगों ने क्या किया था, काफी सारे मिलिटेंट्स जो थे उनको जो है वो, यानी कि आतंकवादियों को जो है वो पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकवादियों को जो है वो इंडिया की तरफ भेजा था इस समय। और ये ये घुसपैठी जो हो रही थी, इनफिल्ट्रेशन जो हो रहा था, ये मई 1999 में सामने नजर आया, हमारी आर्म फोर्सेस को पता लगा, तो हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय जो है वो कंडक्ट किया इन घुसपैठियों को जो है वो भगाने के लिए। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि ये वॉर जो है वो 170 किलोमीटर के माउंटेन फ्रंटियर पर जो है वो लड़ा गया था, जो कि हम लोग को देखने को मिलता है कि मशको वैली से लेकर टुरटुक वैली जो है कारगिल सेक्टर के अंदर, वहां तक जो है वो ये उस एरिया के बीच में रहे वो पूरा युद्ध जो है वो लड़ा गया था। फिर इंडियन फोर्सेस जो थी उन्होंने मतलब टाइगर हिल्स पर अपनी विजय जो है वो, विक्ट्री जो है वो हासिल कर ली, उस एरिया को अपने कंट्रोल में जो है वो कर ली, और वहां से घुसपैठियों को पूरी तरह से और पाकिस्तानियों को वहां से भगा जो है वो दिया पाकिस्तानी आर्मी को। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, और दोनों ही तरफ जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कैजुअलिटीज हम लोग को देखने को मिली, राइट। काफी नुकसान हुआ दोनों ही तरफ, 490 के आसपास इंडियन ऑफिसर, सोल्जर, जवान जो है उनका बलिदान हम लोग को देखने को मिला। फिर अब महत्व क्या है इस कारगिल विजय दिवस का? तो सबसे पहली चीज तो राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक ये माना जाता है। कारगिल विजय दिवस जो है वो एक सिंबल, पावरफुल सिंबल जो है वो बताता है कि हमारी नेशनल यूनिटी और पेट्रियोटिज्म का, राइट, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का। और वॉर जो है ये लोगों को जो है वो यूनाइट करता है ऑल ओवर इंडिया कि आर्म फोर्सेस का सपोर्ट जो है वो किया जाए, राइट। फिर इसके अलावा बलिदानों का सम्मान, इस दिन कितने, यानी कि 490 से ज्यादा सोल्जर्स ने अपने बलिदान दिए, तो उनको जो है वो याद किया जाता है। फिर इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि स्मारक कार्यक्रम होते हैं पूरी कंट्रीज के अंदर, काफी सारी एक्टिविटीज जो है वो होती हैं, राइट। तो ये चीज है। फिर कारगिल वॉर का इम्पैक्ट हम लोग को क्या देखने को मिला, तो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर LOC को मान्यता जो है वो दी गई, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है वो LOC को जो है वो रिकॉग्नाइज किया कि ये डीफैक्टो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये चीज कारगिल वॉर के बाद देखने को मिली, हाईलाइट हो गया LOC।
फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि यही इसी समय पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन जो है वो मजबूत हुए। ये टर्निंग पॉइंट था इंडो यूएस रिलेशन का, और इंडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर एक्टर के तौर पर जो है वो रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गई। फिर इसके अलावा ये कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ तो उसके कारण से प्रेशर क्रिएट हो गया पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि सबके सामने पूरे दुनिया भर में ये चीज आ गई थी कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है, राइट, और आतंकवादियों को जो है वो इंडिया के अंदर घुसपैठ करवा रही है, राइट। तो कितनी गलत बात है ये, तो ये पूरे दुनिया भर को समझ में आ गया और दुनिया इंटरनेशनली कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान से हटना शुरू हो गई और इंडिया के साथ दूसरी कंट्रीज के रिलेशन अच्छे बनना शुरू हो गए। फिर वॉर जो है उसने एक और चीज के बारे में पूरे दुनिया भर को चेतावनी दी कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन खराब हो रहे हैं और दोनों ही कंट्रीज अब न्यूक्लियर पावर बन चुकी थी, एक डर भी था कि न्यूक्लियर अटैक्स ना हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे की चर्चा करें, ऑपरेशन जो कारगिल वॉर से एसोसिएटेड थे, एक ऑपरेशन विजय जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एक ऑपरेशन सफेद सागर, इसके बारे में ज्यादातर लोग जो है वो जानते नहीं है। ये ऑपरेशन सफेद सागर जो है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया था इसी समय पर, याद रखिएगा। इस समय MiG-21S, MiG-23S, MiG-27S, Mirage 2000, जैगवार, तो ये सब हमारे जो फाइटर जेट्स जो थे उनका इस्तेमाल जो है वो किया गया था ऑपरेशन सफेद सागर में। फिर एक ऑपरेशन तलवार भी था, हमारी स्टैंड बाय पे थी इंडियन नेवी भी मौजूद वहां पर, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। ये तीनों ऑपरेशन उसी समय हुए थे, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार। नेक्स्ट, फिर क्या क्या सुधार जो है वो लाए गए, तो कारगिल वॉर जो है वो ये बोल रहा था कि भाई इसने एक चीज क्लियर कर दी कि भाई हमें अपनी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को और मजबूत जो है वो बनाना है। क्यों? क्योंकि घुसपैठी घुसपैठ करना जो है वो 1998-99 के विंटर्स में जो है वो शुरू हो गया था, बट हुआ ये था कि पूरी तरह से चीजें सामने आती है मई के समय, यानी कि 6 महीने तक 7 महीने तक लगातार घुसपैठी हो रही है और उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने एक कारगिल रिव्यू कमेटी जो है वो एस्टैब्लिश करी, हाईलाइट करने के लिए कि इंटेलिजेंस की क्या कमी है, बॉर्डर में क्या परेशानियां हैं, डिफेंस मैनेजमेंट में क्या दिक्कतें चल रही हैं, राइट। फिर हमने एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है वो बना दिया, राइट, कि जिससे कि ज्वाइंट मिशन जो है वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स जो है वो कंडक्ट कर सकें, राइट। यानी कि एक ही सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर हो गवर्नमेंट के लिए, और ये सिंगल पॉइंट एडवाइजर ये तीनों मिलिट्री चीफ के साथ जो है वो डिस्कस करे, फिर फाइनली गवर्नमेंट को एक चीज बताए। अलग अलग फोर्सेस जो है वो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट को गाइड ना करें, सिर्फ एक ही व्यक्ति होना चाहिए CDS जो गाइड जो है वो करेंगे सरकार को। फिर इसके अलावा ट्राई सर्विस कमांड हमने जो है वो एस्टैब्लिश किया, अंडमान एंड निकोबार कमांड जो है वो टेस्ट बेड जो था फ्यूचर थिएटर कमांड्स का, तो थिएटर कमांड्स हमने बनाना शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस में रिफॉर्म जो है वो लेकर आए, खुफिया जो हमारी एजेंसीज होती है उसमें हम रिफॉर्म्स लेकर आए। हमने नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया टेक्निकल इंटेलिजेंस केपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। हमने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA जो है वो शुरू कर दिया। फिर इसके अलावा हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की एक पोजीशन जो है वो एस्टैब्लिश कर दी, राइट। फिर इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट पर हमने काम करना शुरू किया। फिर इसके अलावा और भी मॉडर्नाइज वेपन्स, आर्टिलरी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स पर हमने काम करना शुरू कर दिया। काउंटर टेररिज्म उपाय जो है वो हम लाना शुरू कर दिया हमने, आतंकवादी विरोधी उपाय। फिर इसके अलावा हमने इंडिया के अंदर ही सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, यानी कि इंडिया का खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम IRNSS जो है वो डेवलप किया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का GPS है ना, वैसे ही हमारा IRNSS हम लोग को देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा इंडियन मिलिट्री की जो डॉक्ट्रिन जो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि हमारे जो सिद्धांत है इंडियन मिलिट्री के, उसमें कुछ चेंजेस जो है वो नजर आए। हमने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को जो है वो शामिल कर लिया, राइट, और मल्टी डायमेंशनल प्रॉक्सी वॉर्स पर एड्रेस करना शुरू किया कि देखो इस तरीके से कंट्री जो होती है इस पर भी हमें फोकस करना है, वो डायरेक्ट अब अटैक नहीं करेगी, वो इनडायरेक्टली अटैक करेगी, चाहे वो आतंकवादी के थ्रू अटैक करवाएगी या साइबर अटैक्स करवा सकती है, राइट, या कंट्री के अंदर ही जैसे हम लोग को स्लीपर सेल्स वगैरह देखने को मिलते हैं उनके थ्रू जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये एक नई हम लोगों ने जो है वो सिद्धांत जो है वो इंडियन फोर्सेज ने जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि कारगिल वॉर 1999 का जो हम लोग को देखने को मिलता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटना हुई थी, राइट, जिसने हमारी मिलिट्री स्ट्रेटजी और नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी को जो है वो सामने रख दिया कि हाँ भाई ये हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जिस पर काम करना जरूरी है। फिर जब सक्सेस होता है ऑपरेशन विजय का, हालांकि हमने सक्सेस होने के बाद हमने अपनी कमियों पर काम करना जो है वो शुरू कर दिया कि भाई क्या गलतियां थी, क्या परेशानियां थी जिसके कारण से ये घुसपैठी हुई है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट, पिछले 10 सालों में इंडिया की GDP ऑलमोस्ट जो है वो डबल हो गई है, $3.5 ट्रिलियन US की हम लोग को देखने को मिल रही है, और हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक हम लोग को नजर आ रहे हैं।
विजन जो है विकसित भारत बाय 2047, लिख लो आप विकसित भारत बाय 2047, ये कई बार आ चुका है कि हम लोग को डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस जो है वो हासिल करना है 2047 तक। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है $50 trillion की इकोनॉमी में इस समय तक। नेक्स्ट, इतनी तेजी से हम लोग को एडवांसमेंट AI यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी नई एनर्जी सेक्टर में जो है वो देखने को मिल रहा है, जो इंडिया की ग्रोथ और कॉम्पिटेटिवनेस को जो है वो और आगे ले जाएगा। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, यानी कि क्यों किस प्रकार से भारत का आर्थिक विकास जो है वो हो रहा है, तो सबसे पहली चीज के बारे में बात करें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो सिग्निफिकेंटली डिजिटलाइज जो है वो होती जा रही है, राइट। आपको ऑलरेडी पता आज की डेट में कैश लोग कम अपने पास जो है वो रख रहे हैं। इवन मैं तो अपनी पर्सनली बात करूं तो सिर्फ मेरी गाड़ी के जो ग्लव बॉक्स होता है ना गाड़ी के अंदर, सिर्फ वहीं पर ही कुछ 200-300 रुपए रखे रहते हैं, ज्यादा मैं रखता भी नहीं हूँ, और बाकी पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। मेरे ख्याल से आप लोग भी शायद अब ज्यादा कैश कैरी करते नहीं होंगे जैसे पहले हुआ करता था, है ना। तो पूरी इकोनॉमी जो है वो डिजिटलाइज हो रही है। IT सर्विसेज, उसकी सक्सेस के बावजूद सिर्फ वो 1% जो है वो $30 trillion का राइट ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर पा रही है, यानी कि IT सेक्टर हमारा इतनी बढ़िया चल रहा है उसके बावजूद पूरे दुनिया भर में सिर्फ 1% हमारा, अगर बात करें वैल्यू के हिसाब से तो 1% सिर्फ शेयर हम लोग को देखने को मिलता है। कंट्रीज जैसे कि चाइना की बात करें, इसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है AI सेक्टर में, हंड्रेड ऑफ बिलियंस इसने जो है वो लगा दिए हैं रिसर्च करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टैलेंट के लिए। और इंडिया जो है उसकी, अब देखो हमारे यहाँ पे ये सबसे बड़ी दिक्कत ये टैलेंट वाली है। हमारे यहाँ का टैलेंट जो है वो बाहर जा रहा है। क्यों बाहर जा रहा है? क्योंकि बाहर उसको ज्यादा सैलरी मिल रही है, हमारे यहाँ नहीं मिल रही, ये बड़ा इशू है। इस पर काम करना सख्त जरूरी है जिससे कि हमारे यहाँ के जो टैलेंटेड जो माइंड्स हैं वो दूसरी देश में जाकर दूसरे देश के लिए सर्व ना करें बल्कि उल्टा हमारे देश के लिए सर्व करें। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उनको दूसरा देश जो अमाउंट दे रहा है, जो फैसिलिटीज दे रहा है, वो हम अपने यहाँ के बेस्ट माइंड्स को रहे वो दे दें। फिर डेटा कोलोनाइजेशन, करेंसी रहने, इंडिया जो है वो जनरेट करती है 20% पूरे दुनिया भर का डेटा, येट 80% डेटा जो हमारा है वो बाहर दूसरी कंट्री में जो है वो स्टोर होता है, ये कितनी गलत बात है। फिर नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करके इंडिया जो है वो अपनी प्रिवेसी प्रिजर्विंग डेटा सेट जो है वो क्रिएट कर सकती है, बना सकती है। UPI, UIDAI, ONDC इन सब चीज़ों के सक्सेस को देखते हुए इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन सोर्स AI ग्राउंडेड जो है वो तैयार हो सकती है इंडियन एथोस में। यानी कि अगर हम बात करें भारत की, तो भारत है जो है वो अपना खुद का जो है वो ओपन सोर्स AI जो है वो तैयार कर रही है, और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स ये AI जो है वो तैयार इंडिया के अंदर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इसके, पॉपुलेशन ज़्यादा मतलब डेटा जो है वो सबसे ज़्यादा। इंडिया जो है वो उसके पास मात्र 1 GW का ही डेटा सेंटर कैपेसिटी है, एज कम्पेयर टू पूरे दुनिया भर में 50 GW की हम लोग को कैपेसिटी देखने को मिलती है डेटा सेंटर कैपेसिटी। फिर इसके अलावा 2030 तक यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 70 GW तक पहुंच जाएगा, चाइना 30 GW तक, और इंडिया 5 GW तक जो है वो पहुंचेगी अगर ये इसी तरीके से हम लोग चलते रहे तो। बट हम लोग को स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं, डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस लाए गए हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि आज की डेट में अब स्ट्रिक्ट हो चुका है कि हमारी कंट्री का डेटा हमारी कंट्री में ही रहे, इस चीज को RBI ने भी जो है वो क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के थ्रू जो है वो ऐसी स्कीम्स के थ्रू हम डेटा सेंटर जो है वो बनाए ज्यादा से ज्यादा, राइट। 50 GW जो है 2030 तक जो है वो डिप्लॉय करना है हम लोग को, और उसके लिए $200 billion की आवश्यकता पड़ेगी। सिलिकॉन एक ऐसी चीज है जो कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे उपयोग में लिया जाता है। इंडिया मेजर हब है सिलिकॉन डेवलपमेंट का, डिजाइन का, राइट। बट हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर ही बनाई गई जो चिप्स हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर चिप्स जो हम लोग को देखने को मिलती है उसकी कमी है आज की रेट में, और वही है बेसिकली हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उपयोग में लिया जाने वाला। अब ये जो सेमीकंडक्टर चिप हम लोग को देखने को मिलती है, इसके लिए सरकार ने हालांकि ऑलरेडी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के थ्रू भी जो है वो इसके ग्रोथ पर, इसके प्रमोशन पर जो है वो काम किया है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, ओपन इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च जो है वो और तेजी से बढ़ती जा रही है, बट क्लोज्ड और प्रोप्राइटरी ही हम लोग को वो देखने को मिल रही है। अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च और डेवलपमेंट को जो है वो ओपन कर सके, यानी कि सब ओपन सोर्स कर सके, कि इसके इनोवेशन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कर सकें।
फिर इसके अलावा हम लोग को टैलेंट को जो है वो अट्रैक्ट करना है ग्लोबल लेवल पर, जो है वो हम लोग को वैश्विक लेवल पर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़कर दूसरी कंट्री को गाइड करने वाला बनना है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। न्यू एनर्जी सप्लाई चेन्स की बारे में बात करें तो रेन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, तो इंडिया की रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 2014 में 72 गीगावाट थी, अब 2023 में 175 गीगावाट से ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसमें सोलार कैपेसिटी जो है वो 3.8 गीगावाट से जो है वो बढ़कर 88 गीगावाट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा 2023 में चाइना जो है उसके पास 215 गीगावाट की सोलार एनर्जी कैपेसिटी है, कंपेयर टू इंडिया के पास मात्र 8 गीगावाट की कैपेसिटी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये 8 नहीं मतलब 88 है, ये 8 मेरे ख्याल से ये गलत लिखा है लोगों ने, 88 गीगावाट, ठीक है, 8 गीगावाट तो बहुत ही कम हो जाएगा, 88 गीगावाट टारगेट है कि हम लोग को 500 गीगावाट जो है वो अचीव करना है 2030 तक। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर इंडिया जो है वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है वो काम करने पर फोकस कर रही है, टारगेट कर रही है आज की डेट में सबसे ज्यादा। आगे की चर्चा करें, इंडिया की बैटरी स्टोरेज प्रोडक्शन जो है जो 2 गीगावाट आर हम लोग को देखने को मिल रहा था, और चाइना की जो है वो 1700 गीगावाट आर जो है वो बताया जा रहा है स्टोरेज कैपेसिटी, सोचो आप। और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड को सपोर्ट करने के लिए और 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अडॉप्शन को अचीव करने के लिए इंडिया जो है उसको 100 गीगावाट आर कैपेसिटी जो है वो जनरेट करने की सख्त आवश्यकता है, 1000 गीगावाट आर कैपेसिटी जनरेट करने की सख्त आवश्यकता है। ये हमारा फ्यूचर गोल है, ये फ्यूचर गोल लिख लेना आप कि इंडिया जो है उसको 100% अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेकर आनी है तो 1000 गीगावाट आर कैपेसिटी जो है उसको बैटरी स्टोरेज के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी स्टोरेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर के बारे में बात करें तो आज की डेट में इंडिया का ऑटो पेनिट्रेशन 200 व्हीकल से भी कम हम लोग को पर 1000 पीपल देखने को मिल रहा है, यानी कि हर 1000 लोग में 200 से भी कम गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की देखने को मिल रही है। 2 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो बेची गई है मतलब पूरे साल भर में, और चाइना के अंदर 30 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बेची गई है एक साल में, सोचो आप कितना डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया और चाइना के मार्केट में। 2030 तक इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मार्केट जो है वो बनना है, जहां पर हम 50 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना। और इससे फायदा यही होगा कि एनवायरमेंट बेटर होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो सस्ती पड़ेगी, राइट, कंज्यूमर्स के लिए। बट पता है क्या हो रहा है अभी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये पहली चीज तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू जो है वो उसका है, क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन, जैसे हम पेट्रोल पंप जाते हैं वहां पर पेट्रोल डलवा लेते हैं, कितनी जल्दी पेट्रोल डलता है, बट चार्जिंग स्टेशन में टाइम लगेगा, राइट, बैटरी को चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। मेरे ख्याल से शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तो फुल चार्ज, फास्ट चार्जिंग में फुल चार्ज करने में लगेगा एटलीस्ट 4 घंटे। अच्छा, उसमें भी दिक्कत बताऊँ क्या है, ये डीजल के रेट जितनी ही महंगी पड़ रही है, तो ये कॉस्ट इसकी सस्ती नहीं है। क्यों सस्ती नहीं है कॉस्ट? क्योंकि जो ये चार्जिंग स्टेशन वाले जो मालिक हैं, ये अपना कॉस्ट जो है वो अपना खुद का यूनिट चार्ज जो है वो ज्यादा रख रहा है, जो कि इनको नहीं रखना चाहिए जनरली, राइट। इनका इसका मार्जिन जो है वो उसमें कम करने की आवश्यकता है, कैपिंग लगाने की आवश्यकता है प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, वरना फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा कॉस्ट के मामले में डीजल में और इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग में। तो इस पर काम करने की सख्त आवश्यकता है। आज की डेट में 90% न्यू एनर्जी इकोसिस्टम जो है वो चाइना के अंदर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, और हम लोग को डोमेस्टिक टेक्नोलॉजीज बनाने की आवश्यकता है, सप्लाई चेन पर काम करने की आवश्यकता है इंडिया को और बेटर एनर्जी सेक्टर में जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। फिर आज की रेट में प्रॉब्लम्स क्या है, तो वही प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग को देखने को मिल रही है, आप सभी लोग जानते हैं, राइट। अवसर रचना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है, टैलेंट की बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, हमारे यहाँ का बेस्ट टैलेंट जो है वो दूसरी कंट्री में जाके सर्व कर रहा है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, राइट, फाइनेंस पैसा ही नहीं है ये भी एक इशू है, सप्लाई चेन का भी इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट, पॉलिसी और बेटर पॉलिसी जो है वो नहीं बन पा रही है, राइट। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी की भी कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, राइट, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज है, एक चीज पर फोकस करना जरूरी है, राइट। तो ये सब चीजें, और इंडिया जो है उसको 2047 तक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि डेवलप कंट्री जो है वो बनना है, और ये पूरे टारगेट जो है वो अचीव कर रहे हैं, तो इसके लिए इंडिया को और बेटर अपनी पॉलिसीज बनाकर जो है वो काम करने की सख्त आवश्यकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जलवायु परिवर्तन के बारे में मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको पता ही है,
कि जलवायु परिवर्तन के कितने नुकसान हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम का नुकसान हो, राइट। तो ये उसी से रिलेटेड ही टॉपिक है। और एजुकेशन का नुकसान कैसे हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, भाई लोग स्कूल्स है वो बंद हो जा रहे हैं हीट वेव्स के कारण, वाइल्ड फायर्स के कारण, बाढ़ के कारण, सूखा पड़ने के कारण, बीमारी के कारण, सी लेवल राइज हो रहा है उसके कारण, राइट। तो ये सब इश्यूज हम लोग को रहे वो देखने को मिल रहा है, राइट। स्पेशली लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज से सबसे बड़ा इशू है। और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट और दूसरी स्टडीज ने भी ये हाईलाइट किया कि भाई आज की डेट में हम लोग को ऐसी स्ट्रेटजीज लाने की आवश्यकता है जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो, राइट, कि क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो इन सब चीज़ों पर ना पड़े। और जो छोटे बच्चे हम लोग को देखने को मिल रहा है तो फ्लड, ड्रॉट, हीट वेव्स का शिकार हो रहे हैं, राइट, बाढ़, सूखा, गर्मी की लहर, इन सब चीज़ों का जो है वो शिकार हो रहे हैं, राइट। और फिजिकल एबिलिटीज जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, इमोशनल वेलबींग जो है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो बुरी तरह से अफेक्ट जो है वो हो रही है। अब शारीरिक क्षमता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, संज्ञात्मक विकास जिसको हम लोग बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास, इसका मतलब ये होता है मेंटल डेवलपमेंट। इमोशनल वेलबींग तो आपको ऑलरेडी पता है, भावनात्मक कल्याण, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, ये सब बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और इक्वेडोर जो कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, इक्वेडोर, कोई मुझे बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि इक्वेडोर कंट्री जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो यहाँ पर हम लोग को सीवियर एलनीनो फ्लड्स जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर हो रही है, राइट। लोग जो है उनका कॉग्निटिव टेस्ट स्कोर जो है वो काफी कम जो है वो आने वाले समय में होता जाएगा। इंडिया की बात करें तो अर्ली लाइफ रेनफॉल शॉक नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है वोकैबुलरी को 5 साल की उम्र में, मैथमेटिक्स को, नॉन कॉग्निटिव स्किल्स को 15 साल की उम्र में। तो ये इश्यूज हम लोग को रहे वो देखने को मिल रहा है। अब देखो, ज्यादातर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो है यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज के चलते जो है वो स्कूल्स बंद हो रहा है, राइट। ज्यादा छुट्टियां हम लोग को देखने को मिल रही है। 1,40,000 से भी ज्यादा बच्चे 7 एशियन कंट्रीज के अंदर यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिला है उनका अर्ली लाइफ डिजास्टर में और स्कूल एनरोलमेंट में, बॉयज के लिए और मैथमेटिक्स परफॉर्मेंस के लिए गर्ल्स के लिए। देखो ये कुछ नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, आपको लगेगा क्या है सर ये मैथ्स का अलग, इसका अलग, उसका अलग, अलग अलग एज ग्रुप। देखो मेन कहानी क्या होती है, जब स्कूल बंद रहेगा, स्कूल में ज्यादा टाइम बच्चा जो है वो नहीं बिताएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो सोशली इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। आप समझिए, स्कूल्स आप जाते हैं तो स्कूल्स के अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, आप सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, आप वहां पर सीखते हैं कि शेयरिंग क्या होती है, बहुत सारी चीजें आप जो है वो सीखते हैं, दोस्त बनाना जो है वो सीखते हैं, अपने डिसीजंस लेना जो है वो सीखते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, लड़ाइयां भी होती है, झगड़े भी होते हैं, कैसे डील करना है चीजों को, राइट। अलग अलग लोग, अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेचर के साथ आप जो है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो जब स्कूल ही नहीं जा पाएगा बच्चा तो ये सब डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा उसका, है कि नहीं। तो ये इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। 75% एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम लोग को पिछले 20 सालों में देखने को मिला और इसी के कारण स्कूल्स बंद रहे, नेचुरल डिजास्टर के कारण स्कूल जो है वो बंद रहे। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो जकार्ता के अंदर बाढ़ हम लोग को 2013 में देखने को मिली, जिसके कारण से स्कूल के पहुंच जो है वो बंद हो गई। साइक्लोन इडाई ने 3400 क्लासरूम को जो है वो मोजाम्बिक में 2019 में डिस्ट्रॉय कर दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन गीता ने जो है वो डैमेज किया 72% स्कूल्स को टोंगा के अंदर 2018 में। इथियोपिया, इंडिया, वियतनाम के अंदर जो बाढ़ आती है उसके कारण एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है युवाओं को। तो ये सब इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। हायर देन एवरेज टेम्परेचर जो है उसके कारण भी स्कूल्स जो है वो बंद हो जा रहे हैं या जल्दी छुट्टी हो जा रही है, राइट। और स्कूल स्टडीज जो है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि रिड्यूस हो गई हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद और कॉलेज एंट्रेंस रेट जो है वो कम हो गए हैं हीट के चलते, राइट। महाराष्ट्र के अंदर ड्रॉट कंडीशन, सूखे की कंडीशन के कारण हम लोग को मैथमेटिक्स के स्कोर में जो है वो गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स को इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सब जो चीजें जो होती है ना मैथ्स, ये लॉजिकल रीजनिंग के परस्पेक्टिव से होती है, मेंटल डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव से होती है, इसलिए उसको चुना गया, और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बच्चे जो है ये फ्लडेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो 4% लेस हम लोग को देखने को मिल रहा है जो पहले हुआ कर, मतलब या नॉन फ्लडेड एरिया में जो स्कूल्स होते हैं। अब जैसे जहां पर बाढ़ आ रही है वहां पर कम बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, जहां पर बाढ़ नहीं आ रही वहां पर ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये वाली चीज सिंपल सी बताई गई है यहाँ पर। तो हम लोग को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जिसके चलते एटलीस्ट एजुकेशन जो है वो ना हो, छूटे ना, या उसमें जो है प्रॉब्लम्स ना हो किसी प्रकार की। बस यही चीजें हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं है गाइस। ये छोटा सा टॉपिक था बस ये। अब ग्लोबल इनोवेशन कोलैबोरेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
ज्वाइंट लेटर ऑफ इंटेंट ये साइन हुआ है अटल इनोवेशन मिशन और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिस ये लिख लेना गाइस, ये एग्जाम में आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अब देखो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर आ गया है अब, और अटल इनोवेशन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है आप सभी को पता है, नाम में इसका ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है कि नया नया इनोवेशन हमारे देश के अंदर हो, नई नई चीजें हमारे देश के अंदर बनाई जाए, तैयार की जाए, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका पेटेंट कर दिया जाए उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, राइट। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स आए, ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का पेटेंट हो, रजिस्टर्ड हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, राइट, ग्लोबल साउथ के अंदर। तो ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। और ये पार्टनरशिप जो है इससे हमें देखने को मिलेगा कि एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होगी, राइट, और इंडिया जो है वो इनोवेशन के मामले में आगे बढ़ेगा, और इंडिया उभरता हुआ बन रहा है, ग्लोबल लीडर बन रहा है इनोवेशन के मामले में, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है बैठा। एक सबसे बड़ी कमी है कि हमारा जो टैलेंट पूल है वो दूसरे देश में जाकर सर्व कर रहा है, क्योंकि वहां पर उनको बेटर रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, यहाँ पर ज्यादा अच्छा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाता, ना पैसा मिल पाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में इंडिया की पोजीशन 132 कंट्री में 40वीं रही है, ये फैक्ट भी आप लिख लेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक 40 रही है आउट ऑफ 132। वीवो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2022 ने हाईलाइट किया था, इंडिया जो है लगातार 6 सालों से जो है वो पेटेंट फाइलिंग के मामले में ग्रो कर रही है। 31.6% ग्रोथ जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है ये पेटेंट फाइलिंग्स के मामले में। पेटेंट फाइलिंग का मतलब पता है ना आपको, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई एक दवाई बनाई है ना, एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो उसका आप जो है वो क्या करा सकते हो, पेटेंट करा सकते हो, जिससे कि यानी कि रजिस्टर करवा लोगे, जिससे कि कोई और उसकी कॉपी ना कर सके। अटल इनोवेशन मिशन 2016 में लॉन्च हुआ था, लिख लो, और इसको सेटअप किया गया था नीति आयोग के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हमारी कंट्री के अंदर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो प्रमोट करना, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें इसके नाम में ही छुपा हुआ है इनोवेशन, बस 2016 लिखो, नीति आयोग लिखो। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव आप जानते हो कि सभी सेक्टर के अंदर नए नए प्रकार के इनोवेशन जो है वो लेकर आना, ये लिख लेना आप। इसके मेजर इनिशिएटिव्स हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, अटल टिंकरिंग लैब्स, ब्रैकेट में जो है वो लिख देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट जो है वो क्रिएट करना है स्कूल्स के अंदर, फिर अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अब ये इंक्यूबेशन सेंटर वो होते हैं कि जो नए नए स्टार्टअप्स जो होते हैं ना उनको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, इंक्यूबेशन सेंटर। अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही हम लोग को देखने को मिलता है कि अलग अलग सेक्टर्स जो हैं और अलग अलग मिनिस्ट्रीज की मदद से हमें देखने को मिल रहा है कि इनोवेशन जो है वो नए नए लेकर आना, नए नए प्रोडक्ट जो है वो इनोवेट करना। फिर मेंटर इंडिया कैंपेन, हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशन जो है ये सभी मिशन और मिशन इनिशिएटिव्स में जो है वो हेल्प करें, मेंटरशिप जो है वो प्रोवाइड कराएं। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, कम्युनिटी की मदद से, यानी कम्युनिटी को किस चीज़ की आवश्यकता है तो उसको जो है वो ध्यान में रखते हुए इनोवेशन जो है वो किया जाए। अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, वही रिसर्च करना स्मॉल एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज में, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स। अब वीपो के साथ पार्टनरशिप, तो ये जो लेटर जो है वो साइन किया है हम लोगों ने, यानी कि वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और अटल इनोवेशन मिशन के बीच में, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा देना, बस सेम चीजें लिखी हुई और कुछ नहीं है उसके अंदर। कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक्सप्रेस किया है कि इंडिया का जो ये इनोवेशन सिस्टम जो है ये ग्लोबल लेवल पर जो है बढ़ता जा रहा है, राइट, तो इन्होंने भी इस चीज को जो है वो रिकॉग्नाइज किया, और ये पार्टनरशिप से और तेजी से जो है हम लोग इनोवेशन के सेक्टर में आगे बढ़ सकेंगे, तो बस है और कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा आपको ध्यान में रखने वाला। अब देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो ये लिख लो, इंसिपिएंट मेटल्स। अब देखो यहां पर लिखा है प्रारंभिक धातु या आरंभिक धातु भी देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहां पर, तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है इंसिपिएंट मेटल्स। तो ये एक नया प्रकार का मेटल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी अभी खोज जो है वो हुई है, डिस्कवर हुआ है, रिसेंट साइंटिफिक डिस्कवरी जो है वो हुई है, तो ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखो। इंसिपिएंट मेटल पहला पॉइंट तो ये लिख लो आप, नई डिस्कवरी हुई है। फिर आप लिखेंगे ये आता है ग्रुप 4 चालकोजेनाइट्स के अंदर, किसमें आता है, ग्रुप 4 चालकोजेनाइट्स में, ग्रुप 4 चालकोजेनाइट, जिसमें हम लोग को कंबाइंड एलिमेंट देखने को मिलते हैं ग्रुप 4 के, यानी कि इसके अंदर आपको सल्फर, सेलिनियम और टेलुरियम जैसे एलिमेंट्स जो है वो आपको नजर आएंगे,
ये लिख लो आप, ये सब तत्व हम लोग को देखने को मिलते हैं। ग्रुप फोर समूह चार चाल्कोजेनाइड्स का हिस्सा है ये इंसिपिएंट मेटल्स, और इसमें ये तीनों चीजें, तीनों तत्व जो है वो शामिल है, सल्फर, सेलिनियम और टेल्यूरियम। ये लिख लो आप, टेल्यूरियम, सेलिनियम और सल्फर, ये तीन तत्व जो है वो उसमें शामिल है। फिर नेक्स्ट चीज आप लिखो, ये ऐसा मेटल है कि जो अपने अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ये रिवर्सिबल ट्रांजिशन है, राइट, प्रतिवर्ती संक्रमण इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ये लिख लो आप। और ब्रैकेट में लिखना टेम्परेचर, प्रेशर या इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या कुछ प्रेशर पर या इलेक्ट्रिक फील्ड्स की मदद से जो है वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो आ जाता है। अब इसका इस्तेमाल जो है मेटल्स का किस किस चीज में किया जाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, जैसे कि री राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइसेस, पावर जनरेशन, क्योंकि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। बस इतनी चीजें आप लिखेंगे इस इंसिपिएंट मेटल्स के बारे में, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, दैट्स इट। कि एक ऐसा मेटल है जिसका इस्तेमाल, नए मेटल की खोज हुई है जिसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो है वो कर सकते हैं, इसकी रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क वाली प्रॉपर्टीज को देखते हुए ये समझ में आता है कि इसका रिवर्सिबल ट्रांजिशन है, ये अपने ओरिजिनल फेज में जा सकता है टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रिक फील्ड्स की मदद से। और ये ग्रुप फोर चाल्कोजेनाइड्स के अंदर जो है वो आता है, जिसमें तीन जो तत्व है सल्फर, सेलिनियम, टेलीरियम, इसका एक कॉम्बिनेशन हम लोग को इस धातु के अंदर देखने को मिलता है। बस इसकी रिसर्च जो है वो किसके द्वारा की गई, प्रोफेसर उमेश वाघमारे, जो कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में हम लोग को देखने को मिलता है कि इसकी रिसर्च जो है वो की गई। फिर इसमें हम लोग को और डिटेल में जो है वो चीजों को ध्यान में रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। सेमी कंडक्टर वगैरह इसकी प्रॉपर्टीज होती है जो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो है उपयोग में लिया जाता है। जो ऊपर के बस मैंने आपको तीन पॉइंट बताए थे वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज में ये हेल्प करेगा, क्वांटम मटेरियल ये हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, राइट, और इंडिया का मिशन है क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके लिए ये नई खोज जो है वो काफी हेल्पफुल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। बाकी और कुछ आपको याद रखने की जो है आवश्यकता नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है ऐसा। ओलंपिक ऑर्डर, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओलंपिक ऑर्डर जो है ये हाईएस्ट अवार्ड हम लोग को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है वो देखने को मिलता है, जो किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है उसके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ओलंपिक मूवमेंट के अंदर। यानी कि जो भी व्यक्ति जो है वो ओलंपिक्स में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है तो उसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये सम्मान जो है वो देती है। इसके अलावा ओलंपिक ऑर्डर जो है वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में हम लोग को देखने को मिलता है। और अभिनव बिंद्रा जो है वो पहले इंडियन थे जिनको ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वो रिसीव हुआ है, राइट, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति भवन जो है वो ओरिजिनली बनाया गया था ऐसा वाइस रॉय हाउस के तौर पर, ब्रिटिश वाइस रॉय ऑफ इंडिया के द्वारा के लिए। और मुगल गार्डन जो है उनको रीनेम किया गया अमृत उद्यान 2023 में। दरबार हॉल जो हम लोग को देखने को मिलता है उसका नाम चेंज करके रख दिया गया गणतंत्र मंडप, रिपब्लिक कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये फैक्ट्स हैं राजभवन से रिलेटेड, ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड मतलब, और राष्ट्रपति भवन जो हम लोग को देखने को मिलता है उससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी है जिसका आंसर लिखने की आप कोशिश करिए। तो चलिए गाइस, यही ये पूरा टॉपिक था आज का करंट अफेयर्स का। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो चीज़ आपको पढ़ाई समझाई वो आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।